से होंगे। हम देखने वाले जा मेरा पूछ रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से हम भी खैर क्रिया से हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में दो दो फिश हैं, जो एक सिस्टर ने उठाई हुई है बड़ी वाली और जो मैंने उठाई है वो भी माशाल्लाह से बहुत बड़ी है, क्योंकि आज फिदा जान के कजन गया हुआ था शिकार के ऊपर तो उसी ने हमें फिश दी है, तो बोला आप भी खाओ और हम भी खाते हैं। तो बस अभी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और बहन भाई के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर औफियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। बिल्कुल बेगम साहब ने जैसे बोला कि मेरा कज़न गया था शिकार खेलने के लिए, तो उसने कहा कि चलो आज आप भी फिश खाएं और हम भी खाते हैं, तो फौरन से मैंने जो है ना जल्दी जल्दी ये चार्ट मंगवा लिया। मैंने कहा कैमरा मैन को कि मुझे पढ़ के सुनाएं ये क्या क्या लिखा हुआ है इसमें खाने में, तो चलें वो भी पढ़ के सुनाते हैं, वो भी पढ़ के बताते हैं कि मामू ने क्यों मंगवाया, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और मामी लोग और खाला लोग यहीं साथ में आके बना रहे हैं, क्योंकि मामू खुद बना तो नहीं सकता, बता रहा है कि इसे ऐसे बनाना है, इसे ऐसे बनाना है, इसे ऐसे बनाना है। दरिया की ताज़ा फ्रेश मच्छी अभी अभी लेके आया है और अभी उसने दिए, उसने कहा कि ये मेरे लिए भी आप खाओ। मैंने कहा मैं तो खा नहीं सकता, चलो लेकिन ये है कि बच्चे खाएँगे, तो अगर मेरे ये इस पे लिखा हुआ है खाना तो फिर तो मैं खाऊंगा। नहीं 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 लिखा होगा, लिखा हुआ होगा तो फिर भी तो नमक वाला सूप दूंगी। कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ ये परहेज है, ये परहेज लिखा हुआ है ना इधर, ये लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? तंबाकू सिगरेट गर्म चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें, तेज मिर्च मसाला और तली हुई एशिया या कलेजी कलीम दूध बड़ा गोश्त से परहेज करें। इसका मतलब ये है कि फिश खा फिश भी तो बड़े गोश्त में आती है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये फिश और होता है, ये सफ़ेद गोश्त होता है। अच्छा। इसमें ये तो डॉक्टर कभी भी मना नहीं करते, क्योंकि दो मर्तबा हफ्ते में खा सकते हैं आप। ये गर्म लेकिन तो होता मैं फिर भी कोशिश करूँगा, मैं नहीं खाऊँगा, लेकिन चलो फिर भी बच्चे तो खाएँगे। बिल्कुल, लेकिन मैंने ठीक कह रहे हो कि डॉक्टर मना नहीं करते, लेकिन कुछ मसलों से डॉक्टर भी मना करते हैं, जैसे कि आपका मसला मैदे का है तो आप नहीं खा सकते हो। नहीं खा सकते हो, बरह मेहरबानी नहीं खाओ। चलें ठीक है, इंशाल्लाह जब ठीक हो जाऊंगा तो हाँ, फिर आप जितनी मर्जी कहोगे मैं खुद जाकर दरिया में छलांग लगा के मामी और मैं निकाल के छलांग लगा के मामू के लिए मच्छी जाके पकड़ के आएगा, पकड़ के ले आऊंगा। इस तरीके से बनानी है ना, इस तरीके से VIP करके बनाओ और बहन भाइयों को मजा आए देखने में भी, और आप लोग खाएंगे तब भी मजा आए उनको। आप न्यू तरीके से बनाओ, मामू आप फिक्र ना करें, हम इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, आपके मुँह में बहुत सारा पानी आएगा। चले कोई बात, चलो हम खाएंगे और आपके मुंह से पानी आएगा। और मामी और खाला लोग यहाँ पर बैठ के अभी इसकी अच्छी तरह से सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक डेढ़ घंटा लगने वाला है, तो यहीं पे मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, फिर जब ये बना लेते हैं, क्योंकि तो फिर ये छिलके वगैरह होते हैं, आँखें वगैरह, ये सब कुछ अच्छी तरीके से ना मैल कुचैल साफ करके ना
फिर इसको काटा जाएगा ऐसे निकालेंगे आग के इसकी ऐसे। तो उसके बाद जो है ना फिर डीएपी करके बनाई जाएगी। अच्छी तरह साफ करने के बाद अब आ गए हैं धोने के लिए फिश को, उसके बाद काटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मछली यहाँ पर साफ भी कर ली है और धो भी ली है और काट भी रहे हैं अभी। इसके बाद मछली पकाना शुरू करते हैं, तो आपको सारी कंप्लीट रेसिपी दिखाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह फिश हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरी धो के हमने यहाँ पे अपने किचन में ले आई हूँ और यहाँ पे मैंने रख दी है। तो बस अभी सिस्टर को भी दे रही हूँ, सिस्टर भी जाके अपने घर में ये फिश बनाए और मैं भी बनाऊँ, तो दोनों घर में फिश बनेगी। अब देते हैं सिस्टर को फिश, एक सर तेरा एक सर मेरा। अब सिस्टर मुझे बताएगी कि ये सिस्टर को काफ़ी है या फिर और दूँ। सही है चलो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सिस्टर भी जाके घर पे अपने जाके फिश बनाती है और मैं भी बनाती हूँ। तो ये लंबा वाला सर चाहिए या छोटा वाला सर चाहिए? दोनों फिश सही है जो आ गए। देखो छोटा वाला सर, दोनों फिशों का मुकाबला भी है। हाँ, किसकी ठीक बननी है। खाला आपने भी भरपूर मेहनत करनी है, मामी आपका भी पता चल जाता है आज। कंपटीशन लग रही है। हाँ कंपटीशन लग रही है, उधर भी दिखाऊंगा इधर भी दिखाऊंगा। वो किस तरह की बनाती हैं वो भी दिखाऊंगा, आप किस तरह की बना रही हैं, किस स्टाइल में बना रही हैं वो भी दिखाऊंगा। चलो ठीक है जी, रेडी आप फिश लेके अपने अपने किचन में पहुंचो और जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है, सबसे पहले ना हम मिसाले तो मुझे बनाने हैं ना, मिसाले बनाऊंगी तो फिश बनाऊंगी। विस्मा किधर है? विस्मा को लगाओ साथ में और मिंट लगाओ। बल विस्मा और करती हूं ना मेरी को सिस्टर के मिसाले बन गए इसीलिए सिस्टर। और दूसरी बात भी है, जिसकी जल्दी बनेगी वो भी विनर होगा। अच्छा ये बात है। हाँ मुकाबला है, जल्दी बनाओ। अच्छा चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं मिसाले बनाने। हमारे किचन में मामी अभी मिसाले वगैरह तैयार कर रही है और इस वाले किचन में खाला माशाल्लाह सालन पकाना भी शुरू कर दिया है, मिसाले वगैरह रेडी करके, और मिसाला भी फ्राई भी कर लिया है मिसाला माशाल्लाह, क्या बात है मामी जी। खाला ने मिसाला वगैरह रेडी करके मछली पकाना भी शुरू कर दिया और आपने अभी तक मिसाला नहीं रेडी किया। पकाना पहले शुरू किया लेकिन पकेगी मेरी पहले, वो कैसे? मेरा चैलेंज है। पक्की बात है, मैं क्या करूँगी उसकी कुंडी जाए, अब उसकी जो देख की है ना यहाँ पे लेके रख दूंगी मैं, बोलूँगी मेरी पक गई। नहीं ऐसे थोड़ी ना, चीटिंग नहीं करनी ना, रियल में बताना है पक्का। नहीं मैं मेरी पहले पकेगी, वो कैसे? मैं अभी जल्दी काम करूँ, ये देखो। चले ठीक है, पता चल जाता है। अभी तो विस्मा लगी हुई है, दे सोटे पे सोटा, दे सोटे पे सोटा, जैसे वो मलंग नहीं वो बूटी रगड़ते हैं उसी तरह, उसी किसी चीज़ का ख्याल नहीं है, बस लगी हुई है। तो ये कब तक तैयार है? आप जैसा मलंग हो ना, शाम तक बस वो धनिया ही रगड़े जाएंगे। नहीं अम्मी मेरे हाथ में शीरी है, चलो हाँ जल्दी जल्दी जोर लगाओ। तैबा के काम देखो, वो जो यूएसए से गिफ्ट आया उसकी ट्यून पे देखे वैसे कर रही है जैसे वो गिफ्ट करता है, वो देखो।
वो भी ऐसे करता है सर, वो भी वैसे कर रही है, वो गिर गया। चलो चलो चलो, हाँ अभी शर्म आ गई है, अभी शर्म आ गई है। मामी अभी तक तैयारी कर रही हैं, लेकिन जो खाला है उसकी सालन को पानी भी लग चुका है। जितनी देर उतनी खैर। असल में आपको मैं बात बताऊं, मैं क्यों लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि अम्मी जान मुझे मिसाले बना के देती है, फिर तो मैं ऐसे सालन बना लेती हूँ, देर ही नहीं लगती। क्योंकि आज अम्मी जान गई हुई थी अपने भाई के घर में, तो इसीलिए आज नहीं थी अम्मी जान, तो मुझे सालन बनाने में ना बड़ी दुश्वारी हो गई है। खाला ने ना पता क्या किया, आपको चाय वगैरह भिजवा दिया बना के, आपको इधर लगाया हुआ है और उसने दो मिनटों में अपना सालन तैयार कर दिया, ठीक है ना। आपको चाय की चुस्कियाँ दी हुई हैं, आप चाय की चुस्कियाँ लें वो अपना काम कर लेगी, मैं जाके देखता हूँ उसे। ये देख, खाला ने अपना काम कर लिया है, उधर मामी को चाय भिजवा दिया बना के, आप चाय पियो, मैं तब तक मुकाबला जीत लूं। समझो मैं, मेरी भाभी थक गई है तो मैं चाय अपने घर से बना के भेज दी, अम्मी भी आ गई है ना। हाँ बिल्कुल, के लिए मैंने भिजवा दी है चाय। खाला ने चाय भी साथ में बनाई है, अकेला सालन नहीं बनाया, चाय भी बना के भिजवाई है और उसके बाद सालन भी कंप्लीट होने वाला है। और मामी अभी तक वो तैयारी कर रही है, अभी तक उसका कुछ नहीं बना, अभी तक आग जलाई है बस। अकेली थी ना बेचारी, अम्मी नहीं थी, अम्मी मसाले तैयार करके देती है ना भाभी। हाँ इसलिए अभी मैं आ रही हूँ भाभी के साथ हेल्प। हाँ जल्दी आए, जल्दी आए। मामी ने भी जोरों शोर से अपना काम शुरू कर दिया है, जल्दी जल्दी अब देखते हैं, तेल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया है और झटपट से अपनी रेसिपी बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना सालन मेरा बनेगा पहले, चलें पता चल जाता है। हाँ। ये मिसाले रेसिपी वगैरह कोई शेयर शूर नहीं हो रही, बस जल्दी जल्दी से बन रही है मुकाबले में। कौन सी शेयर होती है ये मुझे बताओ, अगर मैं बहन भाइयों से शेयर करूँगी ना तो मैं हार जाऊँगी फिर। आप तो वैसे हार चुकी हो, ये पता है आपको, उसने आपको चाय भी भिजवा के इनाम में पिला दी है। मैं सब सियासत से जानती हूँ, चाय जो भेजी है ना मेरी चाय वहीं पड़ी हुई है, इसलिए मैं पहले सालन सालन बना रही हूँ। अच्छा वो देखें, वो आराम से चाय बना के यहाँ पे आके एंजॉय भी कर लिए, कर रही है, सालन भी बना लिया है। और आप लगा क्या ये सिस्टर, मैंने तो चाय बना के भेजी है, मैं तो भाभी मेरी थक गई है तो थोड़ी पसीना वसीना आएगा तो सही हो जाएगी। और नानी अम्मा भी हमारी आ चुकी है, नानी अम्मा आज बड़ी खाला और मामी ने मुकाबला लगाया हुआ है। अच्छा हाँ, आपकी बहू आज हारने वाली है आपकी बेटी से। मम्मी ने चेक करना भी किसका अच्छा है। हाँ किसका अच्छा है, आपने सालन चेक करना है, ठीक है ठीक है। और पता है क्या है, आज आपकी वजह से आपकी बहू जो है ना मुकाबला हार जाएगी। देर थी गई ना। हाँ आप साथ में नहीं थी इसलिए। और आपकी बड़ी बेटी ने सालन बना भी लिया है। मैं अम्मी के लिए देर कर रही हूँ, अम्मी भी आ जाए तो फिर सब साथ ही हमारे बहन भाइयों को। हमारी अम्मी आजकल बैग चलाने लगी है। नानी अम्मा ना आजकल बैग चलाने लगी है, देखे बैग की चाबी है नानी अम्मा के पास। ऐसे नहीं नानी अम्मा, ये बैग पे गई थी अपने भाइयों को मिलने के लिए, तो अभी अभी आई है, ये ले। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मिसाले अच्छी तरह से फ्राई कर किया जा रहा है, और मिसाले में क्या क्या चीज़ ऐड की है वो आप लोग पहले ही जानते हैं, अभी भी मामी से पूछ लेते हैं। रेड चिली, गरम मसाला, नमक, हल्दी और बस हर चीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी है। और माशाल्लाह से मेरा मसाला भी बिल्कुल भून चुका है, तो अब इसमें फिश डालनी है। हाँ अभी फिश को ना अच्छी तरीके से भूनूंगी, सब चीज़ें ये भून जाएंगी ना अच्छी तरीके से, तो फिर फिश डालूंगी इसमें। मामी अभी आई है अपनी
सालन की तेज की यानी कि जो कढ़ाई है वो चेक करने के लिए, और साथ में बड़ी खाला को भी लेके आई है। बड़ी खाला ने सालन पका भी लिया और वो कह रही है कि मैं खा के भी आ गई हूँ, आपका अभी तक बना नहीं है। खा के आ गई, उन्हें कढ़ाई है ना, दो जनियाँ उतारेंगे ना पकड़ के भारी है ना भारी। असल में सिस्टर का सालन उधर चूल्हे के ऊपर ना, नहीं 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 चढ़ा हुआ, नहीं चढ़ा हुआ, मैंने उतार लिया, मैं खा लिया, खा भी लिया। हाँ कहाँ लगा हुआ है सालन, देखो दांत बिल्कुल साफ सुथरे हैं, अभी सालन चढ़ा हुआ है वहाँ पे, नहीं चढ़ा हुआ, वो भी बाद में दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तकरीबन ही तैयार होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी रेडी हो चुका है, अभी थोड़ा सा डालते हैं गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थोड़ा सा गरम मसाला, अभी खुशबू और ज्यादा तेज हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो बस अभी चलते हैं ताबा को उठाते हैं, क्योंकि ताबा को बहुत देर हो गई मैंने नहीं उठाया है, तो अंदर फिदा जान का भी सामान मैंने चढ़ा के खड़ाया है, उसको भी जाके मैं देख लूँ और साथ साथ यहाँ का सामान भी क्लोज कर लूँ। तो अभी मामी ने अच्छी तरह से मसाले फ्राई करने के बाद फिश ऐड कर दी है, अभी फिश को अच्छी तरह से फ्राई करेंगी तकरीबन एक घंटे तक, आधे घंटे तक, सॉरी एक घंटे तक नहीं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चूल्हा बहुत ही ख़राब हो चुका है, सुबह फर्स्ट टाइम इसे पहले ठीक करना है, क्योंकि ये देखे पूरा का पूरा खाना भी गिरने वाला था, लेकिन बचत हो गई। मामी कपड़ा ले लें हाथ में, हाँ, वरना ये गिर जाएगा। बिस्मा जाओ कंदूरी लेकर आओ। अल्हम्दुलिल्लाह सालन भी बिल्कुल मेरा रेडी हो चुका है और रोटी भी मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो खाने वाले भी मेरे बिल्कुल रेडी हैं। आज बड़ी खाला को यहीं पे दावत देनी है क्या? हाँ यहीं पे दावत देंगे, इसीलिए तो यहीं पे बिठाया हुआ है, मैंने कहा मेरे हाथ का सालन खा के जाना। अभी टेस्ट करवाना है नानी अम्मा को, क्योंकि नानी अम्मा आ चुकी है, अब दोनों इसलिए बैठे हुए हैं कि बड़ी खाला का भी टेस्ट करवाएंगे और यहाँ से भी टेस्ट करवाएंगे मामी का, देखते हैं। वो अम्मा आपकी साइड ले जाती है ना, मसला ये है अम्मी इंसाफ करेगी ना, अम्मी को पता है जिसका सालन अच्छा होगा और अम्मी वही बताएगी। चले ठीक है नानी अम्मा, आज बिल्कुल किसी की साइड नहीं लेनी, नहीं नहीं सच बताना है, हक सच की बात करनी है, ठीक है? सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ मेरी साइड देनी है बस ना, अम्मी मेरी साइड ये ना, एक एक कहे कि मेरी साइड, एक कहे मेरी साइड, आपने दोनों खानी है बस। भाई मैं भी तो आपकी बड़ी बेटी हूँ। हाँ ये तो है ना, मेरी साइड नहीं लेगी अम्मी। हाँ देखते हैं अम्मी इंसाफ करेगी, ऐसे ना अम्मी इंसाफ करेगी। चलें ठीक है, अभी चेक करवाते हैं, जल्दी जल्दी रेडी हो जाएं आप लोग, बस अभी देती हूँ सबको खाना। खाला अपना सालन लेके आ चुकी है मामी के पास और अम्मा को हमने यहाँ पर बिठा दिया है। ये रहा जी सबसे पहले खाला का सालन, आप किधर? मैं भी आ रहा हूँ ना टेस्ट करने। आपने सिर्फ स्कोर देखने हैं बैठ के? मैं तो अम्मी के साथ बैठ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले बैठ जाए फिर, वहाँ भी बैठ जाए। तो अभी मामी का इंतजार है, मामी जी जल्दी सालन लेके आए, जल्दी जल्दी ले आओ, कढ़ाई ले आओ। मेरी बात सुनो, देखने के भी पैसे लगते हैं यार। बेशक बड़ी बात, दो टीमों का मुकाबला हो रहा है तो पैसे तो लगेंगे। तैबा रो रही थी तो मामी तैबा को सुलाने लग गई, क्योंकि शाम को मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है रात को ना, क्योंकि वो कहती है बस मम्मा चाहिए और बस मम्मा ही चाहिए। सालन तो मुझे टेस्टी लग रहा है, मैं कहता हूँ कि मैं चेक करके बता दूँ। नहीं नहीं आपसे हम नहीं चेक करवाते, जब अल्लाह पाक आपको सिया देगा तो आपको आपसे चेक करवाया करेंगे, आपको भी टेस्ट करवाएंगे साथ में, टेंशन ना लें। ये जी कढ़ाई आ गई है हमारी और खाला भी यहीं पर खड़ी हैं स्कोर देखने के लिए कि किसका सालन टेस्टी है। मामी तैबा को सुला रही है तो अभी बड़ी खाला को बोला है कि आप ही मेरा सालन डालें। हमने कहा मेरी सिस्टर ही सालन डाले अपने हाथ से, क्योंकि भी नहीं मैं ही ये भी सालन देखने में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये भी देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, खूबसूरत। और
आप 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 भी बताइएगा इन दोनों में आपको देखने में फर्क किस में लग रहा? सही मालूम तीन दोनों हैं एक जगह दोनों ना। अभी रोटी तो अभी मामू मामू आप बताएं देखने में कौन सा टेस्टी लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है आपको? दोनों अच्छे लग रहे हैं ना, कलर में दोनों बराबर है देखने में। हाँ देखने में फर्क नहीं है, फर्क नहीं खाने में टेस्ट भी चेक करें। अभी खाने में टेस्ट चेक करें, एक निवाला उधर से लगाएं और एक उधर से लगाएं, पता चलेगा। अम्मा आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, आंखें बंद। अब टेस्ट करें, अब टेस्ट करें, अब बताएं कौन सा अच्छा है इनमें से। सच बात बतानी है। अब ये खा लिया, अब वो भी टेस्ट, अब वो टेस्ट करें। नानी माँ ठीक से उसका टेस्ट पता कर रही है चीज का, सुकून से खा गए। अभी दूसरे वाली प्लेट में से निवाला। दोनों बराबर, एक 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 को तो जिताना पड़ेगा ना, एक को जिताना पड़ेगा नानी अम्मा, एक को। अपनी बहू को जिताएगी, बेटी को रहेगी। हाँ एक जैसे नहीं, एक को जिताना पड़ेगा। मार्केट को जाइए, मच्छा को जाइए, हर चीज को जाइए। पता है क्या है इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह ये है कि इनका उस्ताद एक है, आगे शागिर्द दो हैं, एक ये एक वो। उस्ताद एक है तो हर चीज बराबर ही होगी ना दोनों की। और वैसे भी देखने में भी माशाल्लाह ये गलत बात नहीं है। दोनों का टेस्ट हमारे घर में बावर्चियों में से ये फर्स्ट लिस्ट पे आते हैं दोनों। और सबसे पहले बड़ी खाला और उसके बाद मामी दूसरे नंबर पे। वैसे तो सिस्टर जीती है क्योंकि सिस्टर ने पहले बनाया। हाँ वैसे जीत गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं आज की हमारी रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मामू आज वीडियो का एंड ऑफ कर दें चलें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।